अरे बच्चा कर जा कोट कोट के घुमतिया बनवैले बालिया हमर साला भर ना भेल घुमतिया टूट गेल बच्चा कैसे हम कमाई खाई हमार रोजी रोटी रह लइए और खेत बाड़ी तो ना सब कुछ छीन के खाए के चल चल के बच्चन के के तरह जियाई मां मैंने वो वीडियो देखा और वो रोती बिलखती महिला को भी देखा। ये दर्दनाक दृश्य निकम्मी निष्ठुर और नालायक सरकार का एक नमूना है, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे रेहड़ी और ठेले वालों के लिए करते हैं, सुविधा देने की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन किसी को भी कैसे भी रौंद सकता है। मानवीय संवेदना कुछ होती है, वो मुझे ये भी बताया गया कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन था। ये ठंड में जाकर बुलडोजर चला देना, जब जनता का बुलडोजर चलेगा ना तो कहीं भागते फिरोगे नजर नहीं आओगे। जितना भी अहंकार में बुलडोजर चला रहे हो गरीबों पर, अमीरों पर ही क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अगर थोड़ी सी भी नैतिक साहस है तो सरकार अपने मुख्यमंत्री आवास से शुरू कर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों का घर नपवा दे। अगर 80% घर नहीं गिर गए तो फिर कहना। सारा अतिक्रमण इन लोगों ने किया है, जमीनों पर कब्जा ये करते हैं और बुलडोजर गरीबों के ऊपर चलता है। ओ मेरे, मैं तो मऊ की बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी मेरे किसी गरीब के साथ इस तरह का दमात्मक कार्रवाई होगी, मैं उनके साथ रहूँगा और हर तरह से मदद करूँगा, आर्थिक रूप से भी मदद करूँगा कि फिर से उनकी रोजी रोटी चल सके।